सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप एसटीसी पे यूज करते हैं तो आप सावधान हो जाएं। अगर सावधान नहीं होंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ क्या मेरे साथ हुआ है, कैसा हुआ है। देख सकते हैं, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। मेरे एसटीसी पे में पैसा था। देखें, कहीं अगर पैसा आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं ऐड करते हैं, बगैर ओटीपी के पैसा ऐड नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं फ्रॉड होना होता है तो डायरेक्ट हो जाता है। देख सकते हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। 190 रियाल का फ्रॉड हो चुका है। देख सकते हैं आप, मेरे में 200 रियाल था तो 190 रियाल का फ्रॉड हो चुका है। देखें यहाँ पे आपके सामने, वो 400 रियाल उसके पहले 190 का निकाला तो उसका सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद 400, उसके बाद 171, उसके बाद 71। देख सकते हैं आपके सामने, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। इतना अगर पैसा होता मेरे अकाउंट में तो पूरा पैसा गायब हो जाता है, क्योंकि कभी भी अगर हम कहीं पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बगैर ओटीपी के नहीं होता है, लेकिन कहीं फ्रॉड होना होता है तो डायरेक्ट हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है मालूम नहीं। देखें, मैं आपको अपना एसटीसी पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे अपना एसटीसी पे को ओपन करें। एसटीसी पे को ओपन करने के बाद ये लोकेशन जो आपका, अगर आपका लोकेशन ऑफ होगा तो लोकेशन ऑन कर दें। ऑन करने के बाद आपका अपना एसटीसी पे को ओपन करें। ओपन करने के बाद देख सकते हैं, मैं आपको अपना नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ कि मेरे साथ हुआ कि नहीं है। देख सकते हैं आपके सामने, ये नोटिफिकेशन है। मैंने देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ दिखे 185 रियाल कट चुका है, उसके बाद 400 रियाल का हुआ है, उसके बाद 171 का हुआ, उसके बाद 71 का हुआ। इतना अगर पैसा आपके अकाउंट में होता तो पूरा खाली हो जाता, लेकिन मेरे अकाउंट में 230 रियाल था, इसीलिए 190 रियाल कट चुका, बाकी 40 रियाल बच गया। उसके बाद मैं तुरंत कॉल भी किया तो एक्सेप्ट हुआ, बात तो हुआ, लेकिन अभी तक कोई उसका रिफंड नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है। तो आप कैसे चेक करेंगे, जो आप कंप्लेन की है तो कैसे चेक करेंगे? अपना सेटिंग, मोर सेटिंग पे क्लिक करें, उसके बाद हेल्प सेंटर जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करें। वहाँ क्लिक करने के बाद जो आप कंप्लेन लिखाए होंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया। देखें अभी तक दिखा रहा है इन प्रोसेस, पता नहीं ये कब तक जाके सक्सेसफुल होगा, कब तक आएगा पैसा, आएगा कि भी नहीं आएगा। लेकिन मैं बात किए तो बोले कि भाई अभी प्रोसेस में है, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। जब क्लियर होगा तो आपको बता दिया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ कि कहाँ से बात कर सकते हैं। देखें इसी में हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन में थोड़ा सा इंस्टॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ देता है। आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट कॉल करके आपको दिखाता हूँ, बताता भी हूँ कि कैसे कॉल किया जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऊपर करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर शो कर रहा है। इस नंबर पे क्लिक करके डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करके बताता हूँ और बात करा के भी दिखाता हूँ कि मेरा साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, आप खुद सुन सकते हैं। देखें मैं कॉल लगा रहा हूँ, जैसे कॉल लगा दिया देख सकते हैं आपके सामने, आप खुद सुने और खुद आप समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आप सुने, अगर आपको साथ ऐसा हुआ है तो आप जल्द से अपना एसटीसी पे को अपडेट कर दे, जाए बंद कर दे। एसटीसी पे के थ्रू बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, सही से कोई चीज़ नहीं हो रहा है, हर इंसान के साथ धोखा हो रहा है। पता नहीं एसटीसी पे के थ्रू हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको कॉल करके, कॉल लगा के बात करा के सुना भी देता हूँ क्या मेरे साथ हुआ है नहीं हुआ है, आप सुन लें। जैसे मैं कॉल लगा दिया, इससे पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। देख सकते हैं मैं फ़ोन लगा दिया हूँ, अभी कस्टमर केयर का नंबर लगा है, आप बात करा कर मैं आपको सुना भी देता हूँ क्या मेरे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक चीज करना है कि अपना जो एटीएम कार्ड है उसको लॉक कर दें, 29 तारीख को कंप्लेंट, नहीं तो उसको बंद कर दें। अकाउंट से पैसा कटा हुआ था, नहीं तो एटीएम उसमें पैसा ना रखें। देखें मैं लगा दिया कॉल, आप खुद सुन लें और हमें बताएं। अगर कोई हमसे भूल हुआ है तो आप बता सकते हैं कि हाँ आपसे गलती हुआ है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं मालूम है कि कब तक हो सकता है सर।
अदरवाइज कब आपको तक हो कुछ सकता लगता है ये है कि मैं गलती प्रोसेस? किया 29 साइज हूँ अब तक तो आप प्रोसेस में कमेंट चल करके रहा हमें है। बता सकते हैं किसके थ्रू से गलती हुआ है, कहाँ से हुआ है। कोई भी इंसान से अगर पैसा कटेगा, अगर हम खुद कटाएंगे पैसा, यहाँ पे जो तो हम हमारा कब डिपार्टमेंट है उन्होंने मेंशन किया हुआ कंप्लेंट करना कोई ये ट्रांजैक्शन आपके ना, ये उन्होंने मेंशन किया, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर सबमिटिंग द क्वेरी रिगार्डिंग द पेमेंट इशू ऑन द कार्ड, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द कार्ड इंफॉर्मेशन वाज रजिस्टर्ड को बंद करें इन द वेबसाइट हर्ब आई हर्ब तो तभी उसको ओपन करें। ऑन द 28/7/2022। ये आपने 28/7/2022 को ये आप देख सकते हैं, सुन जी सकते सर, हैं। सर क्या हेल्प कर सकता हूँ आप क्या चीज़? मैं 29 तारीख को कंप्लेन किया था, वो मेरा अकाउंट से पैसा कटा हुआ था। अब तक उसका कुछ हुआ कि नहीं? क्या आपके साथ हुआ जी है? सर मेरे पास शो कर रहा है कि जो है ना आपका कंप्लेन बना है सर, जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं हमसे। 189 रियाल का कंप्लेन दिया आपने, हाँ वहाँ पे जी, कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। देखें ये मेरे साथ कल दो बार डिपार्टमेंट को हो चुका कंप्लेन है, दी एक हुई बार है सर आपसे, फोन रिक्वेस्ट नंबर के मुझे इंतजार मिला था। हुआ तो मैं कंप्लेन नहीं किया, इसका लेकिन मैं एक बार कोई मुझे टाइम नहीं मालूम है कब तक हो कंप्लेन सकता है करना पड़ा। आज 5-6 दिन हो गया मेरे को कंप्लेन किए हुए अब तक, सर। और इन प्रोसेस कब चल तक रहा हो है कि सकता मैं है कि कंप्लेन कर सकूं। 29 तारीख अब तक प्रोसेस में चल रहा है? क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, क्या केवल हमारे साथ हुआ है कि आप लोग के साथ भी हुआ है, सर यहाँ पे जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने और मेंशन हुआ है किया तो हुआ कैसे हुआ, किस तरह हुआ है। ये ट्रांजैक्शन आपके ना, ये उन्होंने मेंशन किया, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर सबमिटिंग द क्वेरी रिगार्डिंग द पेमेंट इशू ऑन द कार्ड, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द कार्ड इंफॉर्मेशन वाज बताइए रजिस्टर्ड इन द वेबसाइट कैसे हर्ब आई कैसा हर्ब हुआ, किस तरह, पूरा डिटेल आप खुद सुन सकते हैं। ऑन द 28/7/2022। ये आपने 28/7/2022 को ये आपने पेमेंट की डिटेल जमा की है साइट पे ना हाँ जी, आप, ये जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ये पेमेंट आप जो है ना ये ट्रांजेक्शन आपने किया है, नहीं कौन सी सर, है ये? नहीं मैंने तो नहीं किया है ना। मैं किया होता तो मैं फिर आपके पास कॉल क्यों करता? जी सर पहले किया, पहले आपने नहीं नहीं किसी कभी भी साइट पे पहले नहीं, किया कभी नहीं किया है। मैं कभी भी उस वेबसाइट पे मैं गया प्रोसेस नहीं। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसे ठीक है सर। जरूर मैं जी कमेंट करके आपका हमें जो है बताएं, डिटेल हमारे डिपार्टमेंट में अंडर मैं प्रोसेस है, जरूर सलगा कमेंट डिपार्टमेंट को आपकी करके डिटेल हमें भेजी ऐसा हुई है, हमें ठीक है। मैं भी फोन आपके किया रिमांडर हुआ दे है देता कि हूँ हुआ है अंडर तो प्रोसेस, कैसे आपका हुआ इशू है अमीर है कि मुझे जल्द इसमें आप वो लोग भी बता इन्वेस्टिगेट सकते हैं करेंगे तो जी। इंस्टाग्राम हाँ पर सर, आप क्योंकि भी देखें ये हम कोई भी कंप्लेन एक कर रियाल सकते कहीं हैं ट्रांसफ़र करते हैं तो बगैर ओटीपी के नहीं होता है, आप लेकिन इतना पैसा बगैर ओटीपी के कैसे चला गया? 200 रियाल ट्रांसफर हो मैं चुके किया हैं, हो तो फिर मैं कॉल ही नहीं करता, कंप्लेन ही नहीं करता आपके प्रोसेस पास। नहीं आया, सर आपके पास ठीक है, पहले मैंने हमें पूछा कि कोई पहले तो नहीं प्रोसेस की पता इस चला कि साइट हुआ पे, ये नहीं हुआ। पूछना हाँ मुझे नहीं सर, मैंने कैसा नहीं हुआ किया ये है। पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा, मैंने सर हमारे लेकिन डिपार्टमेंट को भी तीस से चल पचास रिक्वेस्ट दिन दे हो दिया चुके आपसे, हैं, अमीर है तीस कि से जल्द पचास अपडेट दिन हो करेंगे। चुके और कुछ हैं जानना पैसा चाहेंगे नहीं सर आया अच्छे से? बस सर, बस इतना जानकारी चाहिए कि जल्द से हो जाए। तीस से पचास दिन आजाद पहले अंसारी मैंने साहब, कंप्लेन आपका किया अमीर है था, कि हमारा डिपार्टमेंट जल्द क्योंकि अपडेट यहाँ करेगा। पे थैंक यू मैंने सो मच सर ओके ऐसे में सर, कॉल करने के लिए। ओके सर, थैंक इसी यू। तरह पैसा कटता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके हमें बताएं।